आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार दोस्तों, एंटी करप्शन इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने कोई खबर नहीं बल्कि एक जनहित की बात करने आए हैं, कुछ अपने विचार साझा करने आए हैं। और आप क्या सोचते हैं इन मुद्दों पे, आप अपने विचार कमेंट द्वारा हमसे साझा कर सकते हैं। सभी जानते हैं दिवाली का त्यौहार है, कल पूरा देश दिवाली मनाएगा। वहीं समाज के अंदर हम कई चीज़ें ऐसी देखते हैं जिनको देख के हमें मलाल होता है और हम सोचते हैं कि इन लोगों की हम कैसे मदद कर दें। तमाम मैं इस समय राजधानी दिल्ली में हूँ और दिल्ली की अलग अलग रेड लाइट्स पे छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ भीख मांगते हमें नज़र आते हैं, या फिर कुछ करतब दिखाते नज़र आते हैं, या कुछ पेन पेंसिल और फूल बेचते नज़र आते हैं। उद्देश्य उनका सिर्फ यही रहता है कि इस कार्य को करके वो कुछ पैसा प्राप्त कर लें। तमाम हमारे देश के अंदर संस्थाएं हैं, चाइल्ड वेलफेयर हैं, एनजीओज हैं, सोसाइटी हैं, जो तमाम ऐसे बच्चों के लिए काम कर रही हैं। लेकिन बावजूद इसके तमाम ये जो मुसलसल चल रहा है, ये बदस्तूर जारी है, इस पर रोक नहीं लग पा रही है। तकरीबन 140 करोड़ की आबादी में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो त्यौहार नहीं मना पाते हैं। और सोशल मीडिया पे कई हमने वीडियोस ऐसे देखे हैं जो बहुत दिल को छू जाते हैं, और कई ऐसे लोग हैं जो जाने अनजाने में ऐसे लोगों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन वहीं वो मदद जो है वो पैसे के तौर पे करते हैं। किसी को 2000, किसी को 5000, या पैसे के चलते वो मदद की जाती है। वो मदद सिर्फ 4 दिन की होती है, उसके बाद फिर उसी रूटीन के कार्यों में उन बच्चों को, उन लोगों को, उन ज़रूरतमंद लोगों को उतरना पड़ता है जिसमें वो हैं। मेरी आप सभी लोगों से ये अपील है कि इस दिवाली ऐसे लोगों को तोहफा दें, और वो तोहफा पैसे को सेकेंडरी रखें। कैसे उनकी ज़िंदगी बेहतर बनाई जाए, उस पैसे से कुछ कारोबार किया जाए, करवाया जाए, या उन लोगों को कैसे इंगेज किया जाए दूसरे कार्यों में, इस तरह का तोहफा देने की कोशिश करें और प्रयास करें। तमाम, चूंकि हम लोग मीडिया से जुड़े हैं, हमारे पास तमाम लोगों की शिकायतें आती हैं, मदद के लिए गुहार आती हैं, महिलाओं की समस्या, बच्चों की समस्या, पारिवारिक समस्या, तो निष्कर्ष जो निकलता है वो कहीं ना कहीं पैसा उसके पीछे मूल कारण रहता है। तो प्रयास हम लोगों का ये रहना चाहिए कि तमाम जो शासन प्रशासन है, उसके द्वारा चालित संस्थाएं जो उनके साथ काम कर रही हैं, जो कानून हैं, चाहे वो महिलाओं के लिए हों या बच्चों के लिए हों, उन कानूनों के तहत ऐसी महिलाएं और ऐसे बच्चों के लिए हम प्रयास करें उनकी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए, उनके बेहतर कल के लिए। तो इस दिवाली पैसे को सेकेंडरी रख के जो संस्थाएं, जो लोग कार्य कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, ऐसे बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए और ज़रूरतमंद लोगों के लिए, उनसे हाथ जोड़ के यह अपील कि वो इस बार पैसे को तर्ज ना देते हुए उनकी ज़िंदगी कैसे बेहतर हो पाए, कैसे रेड लाइट पे भीख मांगते बच्चों और महिलाओं और बुज़ुर्गों की मदद की जाए, उनकी ज़िंदगी को कैसे दूसरे पड़ाव पे लेके आया जाए, इस पे विचार कर कार्य करें और जो दिवाली है उसको बेहतर बनाएं, और आने वाली जितनी भी दिवालियां होंगी उनकी ज़िंदगी में उसको बेहतर बनाएं। क्या है आपकी राय, कमेंट द्वारा आप हमसे अपना विचार साझा कर सकते हैं। साथ ही एंटी करप्शन इंडिया की तरफ से सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अगले मैसेज, अगली खबर के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।